हाय गाइस, दिस इज जीत सलाल और ये है एब्सोल्यूट मसल प्रोग्राम। और आज हम बनाने जा रहे हैं अपना मील नंबर वन, यानी कि ओट मील। तो ओट मील बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी ओट मील बनाने के लिए, आपके ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, आपके प्रोटीन पाउडर, फ्रूट्स, बनानास, एप्पल, सिनेमन, बेरीज और पीनट बटर, मिल्क। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी आपके ओट मील को तैयार करने के लिए। ऑलराइट, जैसा कि मैंने न्यूट्रिशन ओवरव्यू में आपको बताया कि आपकी जो मैक्रो स्प्लिट है वो चेंज होगी आपकी ट्रेनिंग डेज और नॉन ट्रेनिंग डेज में। जो भी मील्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मील्स के सिर्फ इंग्रेडिएंट्स और इनको प्रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी क्वांटिटी आपकी बॉडी आपके कैलोरीज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, तो जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी खुद से। मैंने अपने न्यूट्रिशन ओवरव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलोरी कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज वाले मेरे वीडियो को चेक करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज और अपनी मैक्रो स्प्लिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस, आपको कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी अगर आपको फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग में कुछ अचीव करना है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, वो है आपके पास फूड स्केल। अगर आपके पास फूड स्केल नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होगा आपको अपने मैक्रोस को कैलकुलेट करना और अपनी क्वांटिटी को मेजर करना। तो लेट्स स्टार्ट द मील। यस, यहाँ पे हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। डेफिनेटली जो आप वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस, मिल्क आपको चाहिए एज अ प्रोटीन सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वन स्कूप वे प्रोटीन, अब इसमें जो आखिरी चीज़ हम डालेंगे वो है इसमें बेरीज। अगर आपके पास बेरीज अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेरीज डालने की, इट्स नॉट नेसेसरी। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको डालना ही है। डेफिनेटली ओट्स उसमें होने चाहिए, मिल्क उसमें होना चाहिए, पीनट बटर उसमें होना चाहिए, सिनेमन उसमें होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स उसमें होने चाहिए। ये जो चीज़ें मैं एडिशनल डाल रहा हूँ बेरीज, तो ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, मत डालिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आपको अपने ओट मील के साथ, जो मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट मील है उसके साथ आपको अपने मल्टीविटामिंस, अपने फिश ऑयल्स, लिवर सपोर्ट और जॉइंट सपोर्ट को लेना पड़ेगा। हाय गाइस, यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके बेसिक सप्लीमेंट स्टैक की। मल्टीविटामिंस के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन जो कुछ नई चीज़ें जो इस प्रोग्राम में मैंने ऐड करी हैं वो है आपका लिवर सपोर्ट। लिवर सपोर्ट इसलिए ज़रूरी होता है ट्रेनिंग के दौरान लेना, क्योंकि हम जिस अमाउंट में हम फूड जो ले रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हैवी फैट्स एंड स्टफ, तो उसकी वजह से आपके लिवर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए हम ये सारी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी ट्रेनिंग और अपने न्यूट्रिशन की वजह से हमको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो इन फ्यूचर या ट्रेनिंग के दौरान। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है। यू नेवर नो, इट्स अ मशीन, आपकी बॉडी एक मशीन है। कोई भी पुर्जा अगर ढंग से ऑयलिंग नहीं हो रही है उसकी, या ढंग से वो उसकी देखभाल नहीं हो रही है, तो वो ख़राब भी हो सकता है। हम एज अ प्रिकॉशन ये सारी चीज़ें ले रहे हैं और ये ज़रूरी है लेना। दूसरी चीज़ इसके बाद हम जो ऐड कर रहे हैं वो है आपका जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एब्सोल्यूट मसल के वर्कआउट प्रोग्राम में, वर्कआउट प्लान में इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पे आपके जॉइंट्स पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। और जो हैवी वेट्स, जो रैप रेंज है और जो हैवी वेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस रैप रेंज में, तो एक्सरसाइज के दौरान आपके जॉइंट्स में फ्रिक्शन कम करने के लिए और मोबिलिटी बढ़ाने के लिए जो प्रिकॉशन हम ले रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो है आपका जॉइंट सपोर्ट ग्लूकोसामाइन। ओके, तो आपको ये चाहिए होगा क्योंकि हम बहुत ही हैवी वेट परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट?
उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपके बेसिक सप्लीमेंट में वो है आपकी फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल बहुत ही ज़रूरी है, ओमेगा थ्रीज, आपको इसके बेनिफिट्स मैंने पहले भी बताए हैं मेरे वीडियोज़ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सारी चीज़ें आपका बेसिक सप्लीमेंट स्टैक। ओके, और इसके साथ बेसिक सप्लीमेंट स्टैक में मैंने एक और चीज़ ऐड करी है, वो है आपका ट्रैबुलस। अगर आपके पास रॉ ट्रैबुलस आपको मिलता है तो आप रॉ ट्रैबुलस यानी कि कोक्षुरा ले सकते हैं कहीं से। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो आप कैप्सूल्स ले सकते हैं, इसको मिलते हैं आपके किसी भी फार्मेसी में, किसी भी केमिस्ट शॉप में आपको मिल जाएगा ये। एंड दैट्स इट, आपका ब्रेकफास्ट मील कंप्लीट हो गया है। नाउ मील नंबर टू के लिए आप रेडी रहिए। ऑलराइट गाइस, एंजॉय करिए इस मील को एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मील, मील नंबर टू। ऑलराइट, टेक केयर।